बड़ी खबर यह आई है कि महिला रेसलर रितिका फोगाट ने खुदकुशी कर ली है। बताया ये जा रहा है कि वो रेसलिंग टूर्नामेंट में हार जाने की वजह से सदमे में थी और उन्होंने 15 मार्च को अपने घर में दुपट्टे का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। रितिका फोगाट गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन है। राजस्थान के भरतपुर में राज्य स्तरीय सब जूनियर कुश्ती टूर्नामेंट में रितिका फाइनल्स में पहुंची थी और सिर्फ एक पॉइंट से वो फाइनल हार गई थी। इसके बाद से वो बहुत निराश थी, बहुत सदमे में थी और इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। ये दुखद खबर है क्योंकि फोगाट परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। गीता और बबीता फोगाट को लेकर पूरा देश गर्व करता है, लेकिन रितिका फाइनल में पहुंची लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से वो फाइनल हार गई थी। वो बहुत निराश हुई, उनका मनोबल टूटा, उन्होंने खुद को कमरे में बंद किया और दुपट्टे से फांसी के फंदे पर वो लटक गई। पंद्रह मार्च को रितिका फोगाट ने खुदकुशी की, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है। और 17 साल की रितिका पिछले 5 सालों से अपने फूफा यानी महावीर फोगाट से कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही थी। रितिका ने 12 से 14 मार्च के बीच स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और इस टूर्नामेंट में ही 14 मार्च को फाइनल मुकाबले में रितिका सिर्फ एक पॉइंट से हारी, एक पॉइंट से पीछे रही। लेकिन इस हार की निराशा इतनी ज्यादा थी कि वो इसे सहन नहीं कर पाई, बेहद तनाव में थी। और भरतपुर जूनियरों में जूनियर चैंपियनशिप हुई थी जिसमें वो एक पॉइंट से पिछड़ गई थी और सेकंड पोजीशन आई थी, तो हो सकता है उससे मायूस होके उसने सुसाइड कर ली हो, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। रिपोर्ट आने पे जैसी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना, जानकारी के मुताबिक रितिका फोगाट का जो शव है पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया है। लेकिन ये बहुत दुखद खबर है क्योंकि गीता और बबीता जो कुश्ती जगत में, गीता जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, भारत का नाम ऊंचा किया और इसी के साथ बबीता फोगाट लगातार प्रेरित करती रही हैं। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चोटिल हुए लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, लेकिन रितिका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक पॉइंट से वो सिर्फ पीछे रहीं, एक पॉइंट से वो हारी है टूर्नामेंट और इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। उनकी भरतपुर स्टेट की कुश्ती थी जूनियर और वो एक वहाँ एक पॉइंट से फाइनल कुश्ती हार गई थी, तो शायद इस ये एक वजह हो सकती है कि उसने आज ये कदम उठा लिया। और नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हमारे तो हार भी हुई है, जीत भी हुई है, लेकिन कभी इस तरह की चीज हमने ना देखी थी ना सुनी थी। पहलवान रितिका ने सुसाइड किया और परिवार वालों का यही कहना है, सदमे में है पूरा परिवार, ना केवल पूरा परिवार बल्कि कुश्ती जगत के कई ऐसी हस्तियां हैं जो इस पर अपना दुख जाहिर कर चुकी हैं। लेकिन ये कदम उठाया जाना रितिका की तरफ से एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देता है कि खेल में तो हार जीत लगी रहती है, कोई हारता है तो कोई जीतता है, लेकिन इतना निराश हो जाना, मनोबल इतना गिर जाना, कैसे इससे पार पाई जाए, वो भी तब जब उनकी बड़ी बहन गीता फोगाट, कई बार हार का सामना उन्होंने भी किया, बबीता ने भी किया, लेकिन फाइनल में पहुंचकर एक पॉइंट से पीछे रह जाना इसने रितिका को बहुत निराश कर दिया था, जिसके बाद वो एकदम चुप थी और कमरे में खुद को उन्होंने बंद कर लिया। लेकिन परिवार वालों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रितिका कोई ऐसा कदम उठाएंगी। वो उन्हें प्रेरित करते रहे, उन्हें ये कहते रहे कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, मौके और आएंगे, लेकिन रितिका इस सदमे से उभर नहीं पाई और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। खुदकुशी का रास्ता उन्होंने चुना जिसे किसी भी तरह से सही तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक बार फिर से ये डिबेट जरूर छिड़ चुकी है कि मनोबल टूट जाना, निराश हो जाना, क्या उसके बाद खुदकुशी जैसा रास्ता अपनाना ये सही है। रेसलर गीता बबीता की ममेरी बहन थी रितिका फोगाट और कई सालों से वो कुश्ती सीख रही थी।
महावीर सिंह फोगाट उन्हें वो तमाम दावपेच सिखा रहे थे, तो उन्होंने गीता और बबीता को सिखाए, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से उनका हार जाना फाइनल टूर्नामेंट में उन्हें बहुत निराश कर गया। स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार की वजह से रितिका ने एक कदम उठाया और महावीर फोगाट के गांव बलाली में ही उन्होंने खुदकुशी की, घर में फांसी लगाकर, दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम कर परिवार वालों को उनका शव सौंप दिया है, जिनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्य स्तर की कुश्ती मुकाबले में उन्हें हार मिली, एक अंक से फाइनल में हार मिली थी रितिका को, लेकिन वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कभी ऐसा भी होता है कि वो प्रेशर, गीता फोगाट, बबीता फोगाट का जो परफॉर्मेंस रहा, जो नाम रहा है परिवार का, ये भी एक प्रेशर के तौर पर लिया जाता है, और हो सकता है कि रितिका भी इसी तनाव में थी, वो इसे नहीं संभाल पा रही थी और हार उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो इतना ज़्यादा निराश हो गई, उनका मनोबल इतना टूट गया कि उन्होंने ये कदम उठाया।